इस वीडियो में हम देखेंगे बिलिंग से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस, जैसे कि ऐड सर्विस। अगर हमें सर्विस प्रोवाइड करना है तो उसकी क्या प्रोसेस रहती है। सेकंड ऑप्शन हमारा कि नेगेटिव बिलिंग, कि नेगेटिव बिलिंग सॉफ्टवेयर में कैसे वर्किंग करती है। और थर्ड ऑप्शन हमारा बैकडेट बिलिंग, कि अगर हमें बैकडेट के कोई बिल्स बनाना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी, क्या ऑप्शन हमको इनेबल करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐड सर्विस की। अगर हमें कोई सर्विस प्रोवाइड करना है अपने सॉफ्टवेयर से तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम सेल स्क्रीन ओपन कर लेते हैं। जब हमने सेल स्क्रीन ओपन करी है, हमारी कैश सेल डिफ़ॉल्ट में ओपन होती है। अभी हमारी ये नॉर्मल सेल स्क्रीन है जिससे हम बिलिंग करते हैं। सबसे पहले हमें सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे ऐड सर्विस का ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सेटअप ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में। सेटअप में मास्टर सेटअप सेल सेटिंग, सेल सेटिंग हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। ये हमारी सेल सेटिंग्स ओपन हो गई हैं। अब सर्विस देने के लिए या ऐड सर्विस करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है प्लस ऐड सर्विस। अभी ये डिसेबल है, इसको हम सबसे पहले इनेबल करते हैं और इन सेटिंग्स को हम सेव कर देते हैं। हमारी ये सेल सेटिंग्स सेव हो गई हैं। अब इसका रिफ्लेक्शन हम सेल स्क्रीन पे चेक कर लेते हैं। सेल स्क्रीन हमने ओपन करी हुई है, इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। ये हमने रिफ्रेश कर दी है सेल स्क्रीन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कि हमारे पास एक ऐड सर्विस का ऑप्शन यहाँ इनेबल हो गया है, जहाँ से हम कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक पॉपअप विंडो ओपन होती है इस फॉर्म में। अब हमें जो भी सर्विस प्रोवाइड करनी है हम यहाँ से डायरेक्टली इसको क्रिएट करके प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक सर्विस क्रिएट कर लेते हैं, सर्विस 002 नाम से मैंने यहाँ पे एक सर्विस क्रिएट कर ली है। अगर इसका कोई HSN कोड है आप डालना चाहते हैं तो उसमें फिलअप कर सकते हैं। इसमें अगर आप GST लगाना चाहते हैं तो GST लगा सकते हैं। हम यहाँ पे 12% GST सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसमें अगर कोई ब्रांड साइज कलर अगर कोई इसमें रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम यहाँ पे डायरेक्टली इसमें MRP फिलअप करते हैं। जैसे हमने 500 इसकी MRP एंटर कर दी है और यही हमने रेट अपना सेलिंग रेट बना लिया है, इसी को हमने सेलिंग रेट ऐड कर लिया है। अगर आप मल्टीपल सर्विसेज देना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऐड का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करिए। आपके पास एक और रो अवेलेबल हो जाती है सेम, तो आप इसमें मल्टीपल भी एडिशन कर सकते हैं। अगर कॉपी करना चाहें तो यहाँ पर कॉपी का बटन भी अवेलेबल रहता है। तो आपकी पूरी रो जो हमने इन्फॉर्मेशन या सर्विस की इन्फॉर्मेशन डाली है ये हमारी अगली रो में कॉपी भी हो जाएगी अगर हम कॉपी का बटन यूज़ करेंगे तो। अभी हम यहाँ पे एक ही सर्विस क्रिएट करते हैं, हम दूसरी अननेसेसरी रो को यहाँ से डिलीट कर देते हैं डिलीट के बटन से, हमें डिलीट हो गई है। इसके बाद जब हम इन्फॉर्मेशन फिलअप करते हैं तो हमें ऐड सर्विस का जो बटन दिया है इस पर क्लिक करना होता है। अभी हमने बारकोड भी कोई एंटर नहीं किया हुआ है, हम चाहते हैं कि इसका बारकोड भी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जनरेट करे, तो हमने इसका कोई बारकोड यहाँ पे एंटर नहीं करा हुआ है। इसके बाद हम ऐड सर्विस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आई यू शो टू ऐड सर्विस, आपसे कन्फर्मेशन पूछा जा रहा है, इसको ओके करिए। जैसे ही हमने इसको ओके करा तो हमारा ये जो ऐड सर्विस का आइटम है ये हमारा सेल स्क्रीन पे ऐड हो गया है और इसका एक बारकोड यहाँ पे जनरेट हो गया है S002, यानी कि सिस्टम ने इसका एक बारकोड जनरेट कर दिया है। इसके बाद हमारी प्रोसेस नॉर्मल है। अगर हम कोई आइटम्स भी इसके साथ ऐड करना चाहते हैं डायरेक्टली हम यहाँ से आइटम सर्च कर सकते हैं, सर्चिंग से कोई भी आइटम हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पर टोटल बिल आ गया है। नॉर्मली इस तरह से हम कोई भी ऐड सर्विस करके यहाँ पर सेल कर देते हैं। अब इसको हम 7 प्रिंट करते हैं सेल करने के लिए। प्लीज सेलेक्ट कस्टमर नेम, कस्टमर नेम हम यहाँ पे कोई एंटर कर देते हैं। हमने यहाँ पे कस्टमर नेम ले लिया है। इसके बाद हम क्लिक करते हैं 7 प्रिंट पे। आई यू शो टू सेव फॉर्म, हमसे कंफर्मेशन पूछा जा रहा है, इसको हमने ओके किया। ये हमारा बिल बन गया है विद सर्विस, एक हमारा इसमें आइटम है और दूसरी हमारी सर्विस है, इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। सो ये थी हमारी प्रोसेस जिसमें हमने देखा कि हमें अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, ऐड सर्विस करके कोई आइटम सेल करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए किस तरह से हमें ऑप्शन इनेबल करना पड़ता है सेल सेटिंग से। सेकंड हमारे पास इसमें ऑप्शन आता है कि अगर हमें अपने सॉफ्टवेयर से नेगेटिव बिलिंग करनी है। नेगेटिव बिलिंग्स क्या बिलिंग क्या होती है? नेगेटिव बिलिंग वो बिलिंग होती है जिसमें हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होती है बट हम उस क्वांटिटी को सेल कर पाते हैं। यानी हमारे पास कोई ऐसा इस तरह का आइटम है कि उसकी क्वांटिटी हमारे पास उतनी अवेलेबल नहीं है बट हम उससे ज़्यादा सेल करना चाहते हैं तो उसको हम नेगेटिव बिलिंग बोलते हैं। और सेल करने के बाद में हम बाद में उतनी क्वांटिटी सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। सो नेगेटिव बिलिंग को इनेबल करने के लिए हमें वापस से सेल सेटिंग्स में जाना होता है। ये हमने सेल सेटिंग्स को ओपन करा हुआ है यहाँ पे। इसमें हम सर्च कर लेते हैं वो ऑप्शन कहाँ पे। यहाँ हमारे पास सेल सेटिंग्स में ऑप्शन अवेलेबल है नेगेटिव बिलिंग के नाम से। अभी ये डिसेबल है, सबसे पहले इसको हमें इनेबल करना होता है। हमने इसको इनेबल कर लिया है, इन सेटिंग्स को हम सेव कर लेते हैं। ये हमने सेल सेटिंग्स को सेव कर लिया है। अब हम वापस से अपनी सेल स्क्रीन पे जाते हैं और सेल स्क्रीन को रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये हमने अपनी सेल स्क्रीन को रिफ़्रेश कर लिया है।
इसके बाद हम यहाँ पे कोई एक आइटम सर्च करेंगे, बट हमारे पास जितनी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है हम उतनी उससे ज़्यादा क्वांटिटी सेल स्क्रीन पे डाल के बिलिंग करने की ट्राई करते हैं। हम देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करती है नेगेटिव बिलिंग। हमने कोई आइटम ले लिया है यहाँ पे टेस्ट नाम से। इसके बाद एक आइटम हमारे पास है 007 जिसकी हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी है 5। तो इस आइटम को हम अपेंड कर लेते हैं। हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टॉक है इसका 5, लेकिन हम यहाँ पे इसकी ट्राई करते हैं 10 क्वांटिटी सेल करना। यहाँ हमने 10 क्वांटिटी एंटर कर दी है। हमने आगे टैब बटन प्रेस किया है जिससे कि आप देखें हमारा टोटल बिल जो है वो 700 का हो गया, यानी कि हमारी बिलिंग के लिए इस नेगेटिव क्वांटिटी को एक्सेप्ट कर लिया गया है, ये एक्सेप्ट हो गई है कि हम नेगेटिव में सेल कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग थी 5, बट हम इसकी क्वांटिटी सेल जो कर रहे हैं सॉफ्टवेयर से वो 10 सेल कर रहे हैं, यानी 5 एक्स्ट्रा क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं। तो हम इसको 7 प्रिंट करते हैं। सबसे पहले कस्टमर नेम फिल करते हैं यहाँ पे, इसके बाद हम इसको 7 प्रिंट करेंगे, सेल करेंगे 7 प्रिंट। ओके, ये हमारी सेल हो गई है आइटम की, 10 क्वांटिटी सेल हो गई है। अभी हम वापस से उस आइटम की जो क्वांटिटी है वो चेक कर लेते हैं। डबल 07 हमारा आइटम था, यहाँ पे आप देखें इसकी क्वांटिटी अभी नेगेटिव 5 शो कर रही है, यानी हमने 5 क्वांटिटी ज़्यादा सेल करी है नेगेटिव सेल ऑप्शन से, जो कि हमारे पास सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं थी। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर में नेगेटिव बिलिंग को इनेबल करवा के अपना सॉफ्टवेयर से हम नेगेटिव सेल भी कर सकते हैं, वो क्वांटिटी को सेल कर सकते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर में ऐड नहीं है। अब बाद में हम नॉर्मली परचेज से इतनी क्वांटिटी को सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। सो ये थी प्रोसेस हमारी नेगेटिव बिलिंग की। अब थर्ड ऑप्शन हम देखेंगे कि अगर हमें हमारे सॉफ्टवेयर से अगर बैक डेट में बिलिंग करनी है, अगर या फिर सॉफ्टवेयर से आपको बैक डेट में बिलिंग करनी है तो उसको किस तरह से इनेबल करना होता है। सो सबसे पहले अभी आप ये हमारी सेल स्क्रीन देख रहे हैं, नॉर्मल स्क्रीन है, इसमें किसी भी तरह की डेट नहीं आ रही है या डेट का फिल्टर नहीं लगा हुआ है यहाँ पे। तो जो भी अभी हम इस कंडीशन में बिलिंग करते हैं वो करंट डेट से ही बिलिंग होती है, यानी जो भी अभी हम बिल बनाएंगे तो वो करंट डेट का ही बिल बनता है। अगर हमें बैक डेट का बिल बनाना है, पिछली डेट का या पिछले महीने से या पिछली किसी डेट का हमें बिल बनाना है, उसके लिए हमें ऑप्शन इनेबल करना पड़ता है सेटिंग्स से। हम यहाँ पे सेल सेटिंग्स ऑन कर लेते हैं, फिर से सेल सेटिंग्स के अंदर हम सर्च कर लेते हैं बैक डेट बिलिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है बैक डेट बिलिंग का, जो कि अभी डिसेबल है, इसको हमें इनेबल करना होता है। हमने इसको इनेबल कर लिया यहाँ पे। इसी के साथ साथ हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और हमारी जो सेल ग्रिड व्यू है इसमें बिल डेट का एक ऑप्शन होता है, इसे भी हमें इनेबल करना होता है। तो हमने दोनों ऑप्शंस को साथ इनेबल कर लिया है। इन सेटिंग्स को हम सेव कर देते हैं। ये सेटिंग्स हमारी सेव हो गई हैं, सेल सेटिंग्स। वापस से अपनी सेल स्क्रीन पर जाते हैं और इस सेल स्क्रीन को हम रिफ़्रेश कर देते हैं। ये हमारी सेल स्क्रीन रिफ़्रेश हो गई है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास बिलिंग डेट का ऑप्शन भी अवेलेबल हो गया है, जिसमें करंट डेट यानी आज की डेट रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर आप बैक डेट की बिलिंग करना चाहते हैं तो आपको इसमें क्लिक करना होता है, जिससे कि आपके पास कैलेंडर ओपन हो जाता है। इस ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करते हैं, इसके बाद आप यहाँ पे कोई भी बैक डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे 1 सितंबर की डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, आज 16 सितंबर है, हम 1 सितंबर की डेट सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम एक बिल बनाते हैं यहाँ पे, आइटम सर्च कर लेते हैं। सर्चिंग से हमने कोई भी दो रैंडम आइटम्स यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। हमारा टोटल आ गया है 160। हमने दोनों आइटम्स की 1-1 क्वांटिटी ली हुई है। यहाँ पे हम कोई भी कस्टमर सर्च कर लेते हैं। अब हम इसके बाद सेल करने के लिए इसको 7 प्रिंट पे क्लिक करते हैं। हमने यहाँ पे डेट सेलेक्ट, ध्यान रहे कि हमने यहाँ पे डेट सेलेक्ट करी हुई है बैक डेट, यानी 1 सितंबर। आर यू शोर टू सेव फॉर्म? ओके, ये हमारा बैक डेट का बिल जो है वो बन चुका है, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 सितंबर की डेट हमारे बिल पे भी आ रही है। और अगर हम इसकी रिपोर्ट चेक करते हैं, स्टोर रिपोर्ट से अपनी सेल रिपोर्ट चेक करते हैं, न्यू टैब में हम सेल रिपोर्ट भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेल रिपोर्ट का ऑप्शन है, इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे अब हम फिल्टर लगाते हैं 1 सितंबर का, 1 सितंबर से आज तक के हमारे जितने बिल्स हैं हम सारे ओपन करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारी रिपोर्ट ओपन हो गई है और हमने जो 1 सितंबर का बिल बनाया हुआ था वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये हमारे कस्टमर थे, बिल नंबर हमारा 00022 ये हमारा बिल नंबर है। इसमें हम आइटम चेक कर लेते हैं जो हमने सेल किए थे, इसको व्यू करके ये दोनों आइटम अभी हमने सेल किए थे, इसका बिल बनाया था 1-1 क्वांटिटी लेके। तो इसका बिल बन चुका है, जिसकी डेट हमें यहाँ पे बैक डेट में शो हो रही है, यानी कि 1 सितंबर शो हो रही है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हमें किस तरह से बैक डेट बिलिंग करनी है अगर हमें बैक डेट के नाम बिल्स बनाना चाहते हैं। सेकंड ऑप्शन हमने देखा कि हमें अगर अपने सॉफ्टवेयर से नेगेटिव सेल करनी है, वो क्वांटिटी की सेल जो हमारे सॉफ्टवेयर में ऐड नहीं है, बट हम उसके लिए बिल बनाना चाहते हैं, उससे सेल करना चाहते हैं बिना क्वांटिटी के, तो वो भी हम कर सकते हैं।
और थर्ड ऑप्शन हमने देखा एड सर्विस का, अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं या एड सर्विस से कोई आइटम क्रिएट करके सेल करना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी, इस वीडियो में हमने कम्प्लीटली कवर किया।